Good morning, kids! Welcome to other Camini e Topper channel. I'm Gurma goel your biology educator. So, how are my kids? कल की छुट्टी कैसी रही हाँ भाई कितना टाइम वेस्ट किया कल ये भी बता दो बच्चों कल तुम्हें इतना किया, इतना मिस मिस किया किया पूरा दिन ना कि कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था यस बिल्कुल बिल्कुल अधूरा अधूरा सा फीलिंग आ रही थी कल है ना श्री कृष्ण चौधरी गुड मॉर्निंग बच्चा गुड मॉर्निंग श्री कृष्ण हाउस डांस कैसे साक्षी गुड मॉर्निंग साक्षी तो आज के बेटा सेशन हम शुरू करते हैं आज एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन द एलिमिनेशन पार्ट टू है उसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम टुमारो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इस हफ्ते हम वाइंड अप करके रख देंगे देन वी गोना स्टार्ट विद बायोटेक्नोलॉजी यस फिर हम बायोटेक यूनिट से स्टार्ट करेंगे चलिए मिस्ड यू मैम आई मिस्ड यू टू तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है टू लाख सब्सक्राइबर ओ माई गॉड ओ तो हम दो लाख की तरफ से हुए कल या परसों तक आपके पास खुशखबरी आ ही जाएगी कि चैनल ने दो लाख सब्सक्राइबर को टच कर लिया है जहां में हमारे बच्चे क्या रहते हैं खुश लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और ऊंचाइयों तक बढ़ते रहे ये बड़ा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अनकेडमी नीट टॉपर्स का 53,000 के जहाँ पे इसे जरूर ज्वाइन करें फॉर ऑल द अपडेट्स सारे अपडेट्स के लिए आपको इसे ज्वाइन करना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फिर आते हैं बैचेस वेट छोटी मोटी बातें तो होती रहेंगे लेट्स टॉक अबाउट द नीट 2022 बैच माम का बैच लॉन्च हो चुका है आप लॉन्ग टर्म बैच में जाइए क्वालिटी एजुकेशन थिंकिंग आने वाले हालात भी कैसे होंगे तो वेट मत करो स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ विदैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है साल भर तक दो साल एक साल का सब्सक्रिप्शन ले और अपने टीचर्स के साथ पढ़े क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, आपको सारे डाउट सॉल्विंग मिलते हैं प्लस टीचर्स के यू नो इंटरक्शन करने का चांस मिलता है तो इसलिए अभी देखो बम्पर ऑफर और ये ऑफर सिर्फ 28 अप्रैल तक है सिर्फ 28 अप्रैल तक अगर मनाना है पेरेंट्स को तो अभी मना लो ठीक है अभी मना लो

मैम ने एनटीए की टेस्ट सीरीज के स्पेशल क्लासेस के सेशन बना दिए जिसका लिंक आपको चार्ट सेक्शन में दिया हुआ है बिल्कुल तो उसमें एनरोल जरूर करना प्रोडिजी टेस्ट आने वाले, टेस्ट आने वाला स्कॉलरशिप ये हमारा किसका है का है जहाँ पे इतने सारे आपको अवार्ड मिल सकते हैं बच्चों देखिए ये सारे आईफोन मैकबुक आईपैड अमेजोन कुछ मिल जाए तो बेटा मैम के साथ भी शेयर कर लेना ये आगे चल क्यों नहीं रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसमें आपको एनरोल जरूर करना है टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टाइमिंग देख लो किस किस में अपेयर करने क्या पता हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिल जाओ प्लस बैच में तुम भी दिखने लगो यस क्वालिटी एजुकेशन के साथ हेलो अविनाश हेलो दो गिरजा चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट ये रहा इसका लिंक जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर एनरोल जरूर करें

ऐसे बता दिए मैम अब तब आएंगे जब आप बिग सीरीज बिग अनाउंसमेंट है ना ये सब करोगे अरे यार ऐसे बता देते बच्चों चलो यूरिन आपको पता है यूरिन जो है बेसिकली यूरिया बाहर निकालने का एक प्रोसेस है नाइट्रोजनस बेस बाहर निकालने का प्रोसेस है ठीक है बिल्कुल तो आ जाओ यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व मेन प्रोसेस नेमली तो इसमें क्या क्या स्टेप्स है चलो देख लेते हैं यहाँ पे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ठीक है पहला कौन सा बेटा फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन तो ये वाला एक हमारा है जहां पे हम करेंगे इसी को हम फिल्ट्रेशन भी कहते हैं क्या कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं फिर जो सेकंड स्टेप है हमारा है एंड इज स्टेपन तो तीन स्टेप से मिला के हमारा पूरा प्रोसेस बन रहा है किसका यूरिन

ब्लड ब्लड कैपिलरी से के कैविटी में आ रहा है पे आ रहा है के कैविटी में हमें ब्लड को लेके आना है तो अब यहाँ पे दे दो ठीक है यस अब यहाँ पे दे दो एक सेकेंड बच्चा ओके तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्लड यहां से यहाँ पे आने वाला है ब्लड इज अबाउट टू कम फ्रॉम हियर टू हियर तो यहां पे आने वाला है तो फर्स्ट स्टेप ऑफ फिल्ट्रेशन जो फर्स्ट स्टेप है हमारा filtration का वो कौन सा होगा बच्चों द स्टेप नंबर तो पहले क्या होगी एंडोथिलियम लाइनिंग एंडोथिलियम लाइनिंग ऑफ ब्लड ऑफ ब्लड कैपिलरी

स्मॉल साइज प्रोटीन ठीक है तो ये सारी स्मॉल को फिल्ट्रेट में जाने से रोकेगा सारे स्मॉल साइज प्रोटीन को फिल्ट्रेट में जाने से रोकेगा ठीक है चलिए आइए इधर देखते हैं यहाँ पे अब ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया अब हम इसके फटाफट से थ्योरी पढ़ते हैं कमाल बच्चों जोश कैसा है आ

और वो वन फिफ्थ कितना है आपका इलेवन हंड्रेड से ट्वेल्व हंड्रेड एम एल होता है ठीक है बच्चों इतना ये होता है। तो यहाँ पे one -fifth जो है बीइंग फिल्टर्ड बाय किडनी एवरी मिनट द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन देखो यहाँ पे कितनी छोटी सी लाइन में एनसीईआरटी ने आपको कितनी अच्छी चीज बताई है जी सी बी पी या ग्लोमेरुलर मेरलर हाइड्रोस्टैटिक ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर विच इज एक्चुअली गार्डिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ठीक है तो ये कौन सा प्रेशर है बेटा ग्लो मेरलर हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जी एच पी यही वो प्रेशर है जो आपके कौन सी प्रोसेस को करने पे मजबूर कर रहा है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस दिस कॉज इज दिस कॉज इज फिल्टरेशन फिल्टरेशन ऑफ ब्लड दिस कॉज इज फिल्टरेशन ऑफ ब्लड ठीक है बच्चों नाउ थ्री लेयर्स पहली लेर कौन सी है द फर्स्ट लेकिन ऑफ ब्लड इज द एंडोथिलियम ऑफ ग्लोमेगुलर ऑफ ब्लड वेसल ये हमने लिखा द एपिथिलियम ऑफ बॉमेंस कैप्सूल ठीक है एंड अ बेसमेंट मेम्रेन बिटवीन दीज टू ले

एक सेकेंड ओके इन अ लेयर अरेंज इन एन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स तो यहाँ पे बीच बीच में जो स्पेसेस रह जा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये देख लो ये स्पेसेस बचे हुए हैं दीज स्पेसेस आर कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्स ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स एक्सेप्ट ऑफ बॉर्मस कैप्सूल कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है तो बच्चे इस लाइन को समझने के लिए एक छोटी सी लाइन यहाँ पे लिखेंगे माइनस प्रोटीन ये बना आपका फिल्टरेट तो आप कहेंगे फिर मान फिल्टरेट में बचा क्या फिल्टरेट में बचा पानी फिल्ट्रेट में बचा इलेक्ट्रोलाइट्स, फिल्ट्रेट में बचा ग्लूकोस और फिल्ट्रेट में बचा अमीनो एसिड्स ये सारी चीज आपके फिल्ट्रेट में बची होती है ठीक है Therefore, it is considered as a process called ultra filtration. Since जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो इतना बारीक प्रोसेस है, तभी इसको हमने क्या बोला ultra filtration. लिखा सबने पहला पेज क्लियर सबको. Moving on to the next page. The amount of filtrate

तो यानी कि 180 लीटर फिल्ट्रेट आपकी बॉडी में हर दिन बन रहा है ठीक है जिसमें से वन परसेंट कम आउट एज यूरिन बाहर निकल जाता है में, और नाइनटी नाइन परसेंट हो जाता है री क्या हो जाता है बच्चों 99 का री ठीक है हेल्दी इंडिविजुअल अप्रोक्सिमेटली वन ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट यही हमने यूज किया कैलकुलेशन में और पूरे दिन में कितना बनता है 180 लीटर पर डे तो इतना जीएफआर होता है अब यहाँ पे कुछ बढ़िया से हम हाँ पॉइंट्स लिखेंगे एनसीआरटी में पॉइंट नंबर वन बेटा मान लो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या जीएफआर भी बढ़ेगा सोचो और आंसर दो बॉक्स में जल्दी से एवरी तनु साक्षी खुशी अनवर यस कम बच्चो कृपालू जल्दी बताओ अगर हम ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या जीएफ आर भी बढ़ेगा आपका आंसर आंसर होगा yes! होगा? यस, ठीक है? आपका क्या तो यहां पे पॉइंट नंबर वन लिखेंगे इफ ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस प्रपोर्शनली जीएफआर इंक्रीजेस तो आपने हमने हाइपरटेंशन में क्या पढ़ा था कि अगर हाइपरटेंशन है तो किडनी पे फर्क आएगा या नहीं आएगा कुछ पढ़ा था हमने तो आपने आंसर क्या कहा था यस मैम किडनी पे फर्क आएगा किडनी पे फर्क क्यों आएगा क्योंकि आप वो ज्यादा फिल्ट्रेट बनाना शुरू करेगी और किसी से ज्यादा काम करोगे तो यार वो कभी तो कहेगा ना बस करो जी है ना बस करो जी बिल्कुल बच्चों तो ये चीज है अब आते हैं नेक्स्ट पे द बिल्ट इन किडनीजम फॉर द रेगुलेशन ऑफ जी खुद का बिल्ट इन मैकेनिज्म है वन सच एफिशियंट मैकेजमोरो चलिए अब इस अपारेटस को पढ़ते हैं अस स्टडी दिस अपराटस थ्रू अ डायग्राम सब डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे साइड में अपनी एनसीआरटी में जगह है ना तुम्हारी एनसीआरटी में या नहीं है भर दी पूरी बताना जरा बच्चों ने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी फोटोज काफी कुछ पता लगा कि बच्चों के पास इतनी अब जगह नहीं बच्ची एनसीआरटी में लिखने के लिए दे शेयर्ड सो मेनी फोटोज ऑफ टी यस चलो इतना तो तुम्हें पता हमने क्या बनाया हमने बनाया बॉमेंस बनाया है एफ्रेंट ठीक है अब हम जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं वो है डीसीटी ये मैम ने क्या बनाया डीसीटी दिस इज डीसीटी ठीक है अब ध्यान से सुनना मेरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बता रहे हो पेस्टिक कर लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ जो तुम्हें लिखनी है द एफरेंट आर्टीरियल सेल्स रिपीट आफ्टर मी ठीक है यस रिपीट आफ्टर मी द सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टीरियल मॉडिफाइज टू जेजी सेल्स कौन सेल्स एवरी वन द सेल्स द सेल्स ऑफ एफरिंट आर्टीरियल मॉडिफाइज मॉडिफाइज टू फॉफ जेजी सेल्स जक्सट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स

यहाँ पे देखेंगे अब बेटा यहाँ पे मैकुलर डेंसर बना अब मैकुलर डेंसर जो हैिटी ऑफ फिल्ट्रेट दिस चेक ऑस्मुलरिटी ऑफ फिल्ट्रेट ठीक है भाई अब एनसीआरटी पढ़ते हैं कि टी में क्या लिखा है बच्चों ने कहा मैम बुक में कुछ लिखा है लेट्स डू दैट ठीक है आते हैं यस yes. नाउ

वहीं पे डीसीटी का मॉडिफिकेशन क्या है मैकुला डेंसा इसका मॉडिफिकेशन क्या है मैकुला डेंसा चलो आगे आपको समझ में जेजी पैर सबको क्लियर है डन बिल्कुल चलो नाउ अ फॉल इन जीएफआर फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन

On YouTube. चलो first पे आते हैं हैं बच्चों, ये सब चीजें कैसे हो रही है? Actively. वहीं पे लिखते है, लिखते कि जो nitrogenous waste है. क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या आता है यूरिया इसका एब्सॉर्प्शन किससे हो रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया पैसिवली थ्रू Passively. ये पॉइंट लिखना जरूरी है यहां से क्वेश्चन आता है ठीक है ये आइए नेक्स्ट पे आते हैं ओके समय डोर गिड में थोड़ा डर गई बहुत ही अच्छा खासा नॉक था बच्चों कौन यहाँ पे नहीं कोई नहीं रहता नहीं थैंक यू

बड़ा सिलेंडर वाला गैस सिलेंडर वाला कुछ भी मत फेंको फेको चैट बॉक्स में कुछ भी मत फेंको गैस सिलेंडर गैस तुम लोग सिलेंडर समझते हो ना बस वही वाला आए थे भैया तुम लोग भी ना तुरंत से फुटेज लेना शुरू कर देते हो चलो आओ यहाँ पे ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन चलिए जब मूत्र बन रहा होता है यानी ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल लाइक टूबुल्सटांसिस प्लस अमोनिया इन टू द फिल्ट्रेट अब आप कहेंगे कि मैम हम फिल्ट्रेट में ये सब चीजें क्यों सिक्रीट कर रहे हैं हाइड्रोजन पोटेशियम अमोनिया चलिए ये इसका बहुत ही बढ़िया रेलिवेंस है इसका रेलिवेंस पता है क्या ऑस्मो रेगुलेशन इसी स्टेप को हम बोलेंगे ऑस्मो रेगुलेशन एक बार बताओ जब तुम कोक पीते हो कोक और चिप्स तुम साथ में खा रहे हो मान लो ठीक है कोक और चिप्स तुम साथ में खा रहे हो क्या तुम्हारा ब्लड नमकीन हो जाता है बताना जरा हाँ गैस वाले भैया मम्मी अरे सबसे ज्यादा पता है क्या होता है घर घर की कहानी बताती वाले भैया है ठीक है अभी गैस वाले भैया ना घर के बाहर सिलेंडर रख देंगे फिर मम्मी की आवाज आएगी ठीक है मम्मी की आवाज आएगी अरे चिंटू सुन अंदर रख दे सिलेंडर को अरे भाई चिंटू पतला सा बिल्कुल ठीक है, है? चिंटू पतला सा बिल्कुल उससे सिलेंडर उठ नहीं रहा बट सामने अगर खड़ी है पड़ोसन तो भाई दिखाना भी है चिंटू को पूरे जोश के साथ होता है वो अखंड बेजती के लिए बने वो एक हाथ से उठा रहे हैं चिंटू दो हाथ से भी नहीं उठा पा रहा तो फिर चिंटू बेस्ती हो जाती है ना बेटा यस चलो आओ इधर अब यहाँ पे एक सवाल मैं तुमसे पूछी थी क्या जब तुम लेस खा रहे हो या तुम कोक पी रहे हो क्या तुम्हारा ब्लड नमकीन हो जाता है नहीं होता रे बच्चों नहीं होता योर ब्लड डिकम एसिडिक क्यों क्योंकि जितना तुमने एक्स्ट्रा यानी एच प्लस आयन लिया है कंज्यूम किया जितना वो एसिडिक्ब हुआ है वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा यानी कि अब जो एसिडिक आएगा वो क्या होगा यस तुम्हारा ब्लड एसिडिक नहीं होगा ये बताओ एसिडिक क्या होगा अब बताओ चैट बॉक्स में जल्दी बताओ यस ब्लड रिमेंस कांस्टेंट बिकॉज ऑस्मो रेगुलेशन किडनी करा रहा है ठीक बट जो चीज एसिडिक होगी वो यूरिन होगा एब्सोल्युटली बच्चों ठीक है यस तो यही चीज है बच्चों कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो हमारी किडनी है H+, K अमोनिया. अगर के प्लस के प्लस इंक्रीजेस इन ब्लड मान लो कि पोटेशियम ब्लड में बढ़ गया क्या होगा क्या होगा मान लो तुमने जोश जोश में दस केले खा लिए तुम्हारा ब्लड में पोटेशियम बढ़ गया क्या होगा यस yes, क्या होगा शताक्षी मिको यस yes, बताइए क्या होगा दिस केस इज कॉल्ड हाइपर कैलमिया हाइपर कैलमिया ठीक है और हाइपर कैलमिया के लीड टू व्हाट इट कैन लीड टू व्हाट इट कैन लीड टू हार्ट अटैक इट कैन लीड टू व्हाट हार्ट अटैक

फिर हमने यूरिन के अंदर सिक्रीट कराना शुरू किया क्या क्या सिक्रीट कराना शुरू किया पोटेशियम हाइड्रोजन एंड एंड अमोनिया ठीक है अब चलते नेक्स्ट. अब चलते हैं नेक्स्ट इस टिब्यूज पे आ रहे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी चले थे मैम कैसे मालूम चलेगा सॉल्टी है पी कर बेटा पीक है यस ऐसे लहू मुह लग गया तुमने गाना नहीं सुना यस वैसे वाला गाना <laughs> चलो आ जाओ इधर proximal convoluted tubule यानी yani PCT PCT is lined by simple cuboidal brush border epithelium most important question aspirin exam which increases the surface area for reabsorption surface area for reabsorption बढ़ा रहा है ठीक है चलिए nearly all the essential nutrients and seventy to eighty percent of electrolytes

अब देखो यहां पे इस डायग्राम को समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या चलिए देखते हैं इधर देख। हाइड्रोजन एंड अमोनिया ये यहां से इंटरस्टीशियम से ट्यूबुलर सिक्रीशन में जा रहे हैं ठीक है यस तो यहां पे इनका सिक्रीशन हो रहा है इन चीजों का ये फिल्ट्रेट से बॉडी के अंदर री हो रहे हैं तो ये क्या हो रहा है री हो रहा है ये क्या है? हो रहा है।, है इनका री तो किस -किस चलिए बताइए जल्दी से एवरी वन जल्दी, जल्दी से बताओ बेटा अगर हम यहाँ पे देखें सिक्रीशन होना यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन और अमोनिया का जबकि पोटासियम अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इज बींग री तो ये चीज़ गड़बड़ है आपकी थियोरी में जो एनसीआरटी ने लिखा है डायग्राम इज राइट थियोरी इज रॉन्ग तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हटा दो जस्ट रिमूव दिस पार्ट एनसीआरटी का इसको हटा दिया सबने ये चीज सब बच्चों को पता होनी चाहिए कि सिर्फ हाइड्रोजन और अमोनिया का यहाँ पे सिक्रीशन होता है ठीक है चलिए अब आते नेटेस्ट कमजोर पल्लवी पोस्टर मैम रितु मैम की क्लास कब होगी

क्योंकि कि यहाँ पे हर सेल के अंदर भर के होते हैं एक्वा पोरेंस एंड ऑलमोस्ट इम्पोर्मेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स दिस कॉन्सेंट्रेट ऑफ फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन अब इसको समझेंगे डोंट वरी सब समझाऊंगी सब समझाऊंगी ठीक है यस द असेंडिंग लिम इज इम्पोर्मेबल टू वॉटर असेंडिंग लिम क्या है इम्पोर्मेबल टू वॉटर है एंड अलाउस ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली देर

and हाइपोस्मोटिक। चलो इन दोनों कंडीशन में सबसे पहले मुझे बताओ सॉल्ट किस कंडीशन में ज्यादा है सॉल्ट किस कंडीशन में ज्यादा है हाइपरऑस्मोटिक या हाइपोस्मोटिक किस में सॉल्ट ज्यादा है यस yes, किस में सॉल्ट ज्यादा है किस में पानी कम है जल्दी बताओ यस हाइपरऑस्मोटिक एंड हाइपोस्मोटिक बिल्कुल सही बात है हाइपर में सॉल्ट ज्यादा है यहां पे सॉल्ट ज्यादा है, तभी वो हाइपोरोस्मोटिक है यहां पे सॉल्ट का अमाउंट कम है इसलिए ये हाइपो ऑस्मोटिक है ठीक है इतना हमको समझ में आ गया तो यानी कि जब मैं टर्म्स यूज़ तो आप घबराएंगे नहीं ये फिल्ट्रेट है यहाँ पे फिल्ट्रेट है ये फिल्ट्रेट आ रहा है किसमें डिसेंडिंग लिम में जब ये डिसेंडिंग लिम में आ रहा है तो बाहर क्या जाना है पानी बाहर क्या जा रहा है वॉटर Why water water. water is moving out? Because this permeable permeable to water. Limb permeable to water तो दीरे, दीरे, osmolarity क्या होगी? Increase होगी Osmolarity increases। As osmolarity increases, मतलब कि यहां तक पहुंचते, पहुंचते filtrate के पास salt ज्यादा होगा Filtrate के पास salt ज्यादा होगा और पानी क्या होगा कम होगा

बाहर क्या मूव कर रहे हैं सॉल्ट तो जैसे जैसे सॉल्ट बाहर निकलते जाएंगे अब यहां पे फ्लूइड विल हैव मोर वाटर एंड एंड लेस लेस दिस वुड बी कॉल्ड कंडीशन इसको क्या बोलेंगे आप हाइपो ऑस्मोटिक कंडीशन क्या ये लाइन क्लियर हुई एनसीआरटी ने जो कही थी बताओ जरा एवरी मंथ तो अब एनसीआरटी देखते हैं तो यहां पे क्या कह रहे जब असेंडिंग लिम में ऊपर जाता है पानी तो इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलते हैं बाहर निकलने के कारण द कॉन्सेंट्रेटेड अपवर्ड एंड इट्स गेट डाइल्यूटेड तो जो कॉन्सेंट्रेटेड था वही क्या हो जाएगा डाइल्यूट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जा रहे हैं आपके मेडुलरी इंटर में ठीक है अब नेक्स्ट पे आते हैं डीसीटी लेट्स टॉक अबाउट द डीसीटी डीसीटी स्टैंड्स फॉर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूट अब इसको देखते हैं मैम एन ने क्वेश्चन पूछा है तो क्या करने का गिव मी आंसर एनटीए ने क्वेश्चन पूछा है तो उसको प्रैक्टिस करने का दिस इज माय आंसर यस बिल्कुल <laughs> ठीक है डीसीटी अब डीसीटी में सबसे पहले कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का दूसरा वर्ड क्या होता है फैकल्टेटिव रीएब्सॉप्शन इसी का दूसरा वर्ड क्या है फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन इसी को फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं ठीक है ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस अरे यार अरे यार अच्छा चलो किस-किस का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो, री हो रहा है बेटा सोडियम एंड वाटर का ठीक है सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है दिस इट इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन तो यहाँ पे आपको लिखना होगा यहां पे किस-किस का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है पानी ठीक है उसके बाद सोडियम उसके बाद आयन एंड उसी के साथ साथ सेलेक्टिव सिक्रीशन भी होता है यहां पे सिक्रीशन किस -किस का होता है पोटेशियम का और, अमोनिया का हाइड्रोजन का टू मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन ठीक है बिल्कुल अब नेक्स्ट पे चलते कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग डक्ट इज अ पार्ट ऑफ बन नेफ्रॉन ट्रू ऑफ ऑल्स कम ऑन एवरीवन मैम टेस्ट ओपन हो रहा, बेटा क्या हो गया, को लेके? मैं आपको बता दू बेटा एन ने जितने भी मॉक टेस्ट पेपर निकाले हैं जितने भी वो थर्टी क्वेश्चन चैप्टर वाइज निकाल रहे हैं वो सब स्पेशल क्लास पे आप कर सकते हैं उसका लिंक आपको चैट सेक्शन में दिया हुआ है

हार्मोन हमें चाहिए ए डी एच वेयर ए डी एच स्टैंड फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन यस सेगमेंट अलाउस पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया हाँ हाँ यूरिया वापस आ रहा है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी ये पॉइंट सबसे जरूरी पॉइंट है काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए इट ऑल्सो

यस yes. अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑफ़ फिल्ट्रेट समझ आया नहीं है कभी अच्छा सा बताओ कितनी बार पढ़ा तुमने ये वाला बताओ 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 नहीं बताओ बताओ बता 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 बता। शर्माने शर्मान नहीं है शर्माने yes. नहीं नमक है नहीं नहीं मैं नहीं, टूथपेस्ट में, में दंत कांति है यस बिल्कुल कितनी घटिया बातें करवाते चलो फिल्ट्रेट करेंगे और यहाँ पे हम करंट मैकेनिज्म करने वाले हैं बड़ा, बहुत बार होगा समझ कई बार नहीं आता है चलिए आज इसके एक-एक को है ठीक चलिए स्तनधारी मैवल्सिटी टू प्रोड्यूस अ यूरिन यानी कि वो सॉल्ट रिच यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है यस yes, बिल्कुल द हेन्डलेज लू इन दास प्लेजिकेट रोल इन द प्रोसेस

मेडुलरी नेफ्रॉन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ठीक है बिल्कुल जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है दूसरी चीज कौन सा प्रोसेस होगा इनपे हमेशा काउंटर करंट होगा काउंटर करंट अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस चलो ये भी समझ में आ गया हम द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट

बताइए जल्दी से फ्लो ब्लड थ्रू द टू लिम्सा में ब्लड फ्लो कर रहा है ठीक है वहीं पे loop of में फ्लो कर रहा है ठीक है? है, में में भी खून कर रहा है। तो वहां पे भी करंट बनेगा तो कितने करंट बता दिए एनसीआरटी ने भाई लोगों? दो करंट बता दिए एक करंट जहां लूप ऑफ हेल्ले में फ्लूड जा रहा है ठीक है और दूसरा काउंटर करंट है में जहां पे ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है दो काउंटर करंट हो गए द प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सिमिटी मतलब पास 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 यहां पे आप लिख सकते हैं पास पास ठीक है द पास पास बिटवीन द लूप एंड बासर एक्टा एज वेल द काउंटर करंट इन देम

जो आंतरिक हिस्सा है उसे मेडुला मेड्यूला बोलते हैं ठीक है भाई कॉर्टेक्स में कुछ हिस्से होते हैं आपके नेफ्रॉन के नेफरौन का जो हिस्सा में होता है वो सबसे पहला होता है आपका बॉमेंस कैप्सुल कौन सा पहला हिस्सा बॉमेंस कैप्सुल उसके बाद नेफ्रॉन का जो दूसरा हिस्सा यहाँ पे होता है ये हिस्सा है आपका पीसीटी कौन सा हिस्सा है पीसीटी पीसीटी जब नीचे उतरता है मेड्यूला में तो वो बनाता है लूप ऑफ हैंडल ये बना लूप ऑफ हैंडल ठीक है लूप ऑफ हैंडल जो है यहाँ पे मुड़ जाएगा यहाँ पे मुड़ जाएगा ठीक है अब मुड़ने के बाद ये ऊपर जाएगा देख रहे हैं ये ऊपर जा रहा है फिर उसके बाद ये बनाएगा डीसीटी ये बना दिए इसमें डीसीटी और डीसीटी के बाद ये बनाएगा कलेक्टिंग डक्ट ये बनाएगा कलेक्टिंग डक्ट क्या इतनी बात सही है टेल मी इन द चैट बॉक्स ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट यानी कि अब हम यहां पे ब्लड फ्लो सिस्टम बनाएंगे कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है यहां पे चलिए देखिए इधर सबसे पहले यहाँ पे renal artery है artery है artery है It is renal artery. ठीक है रीनल आर्टरी से जो ब्लड है एफरेंट आर्टीरियल में जाएगा ये एफरेंट आर्टीरियल एफरेंट आर्टीरियल यहाँ पे जाल और गुच्छा बना देगी कैपिलरी का दिस जाल इन गुच्छा इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से जो बाहर निकलेगी वो होगी ईफ्रेंट आर्टीरोल ये क्या है ईफ्रेंट आर्टीरोल ईफ्रेंट आर्टीरोल अब बनाएगी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क क्या बना रही है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से एक लंबा लूप आएगा जिसको हम बोलेंगे वासा रेक्टा ये बन गया आपका वासा रेक्टा अब मेरा पहला सवाल एनसीआरटी पढ़ने के बाद क्या लूप ऑफ हेनले और वासर एक्टा आपस में पास पास है क्या ये दोनों पास पास उपस्थित है या नहीं है बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में क्या प्रॉक्सिमिटी वर्ड सही है या नहीं है जो लूप ऑफ हेनले है ठीक है जो लूप ऑफ हेनले है और जो हमारा वासर एक्टा है दोनों पास पास है या नहीं है बिल्कुल है ठीक है दोनों पास पास बिल्कुल प्रेजेंट है तो प्रॉक्सिमिटी वर्ड बिल्कुल ठीक है अब पे हम फ्लो देखते हैं ये फिल्ट्रेट का डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है फिल्ट्रेट इसी डायरेक्शन में आप देख सकते हैं फ्लो कर रहा है तो यहां और यहां एरोस का डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है या नहीं है बच्चों अब यहां देख सकते हैं यहां और यहां ऑपोजिट है डायरेक्शन ऑफ व्हाट आपके सिंस डायरेक्शन ऑफ एरोस ऑपोजिट है तो यानी कि पहला काउंटर करंट आपका यहां बन गया बन गया नहीं बन गया ठीक है बच्चों अब दूसरा आप यहाँ पे ब्लड फ्लो देखेंगे लेट अस अंडरस्टैंड द ब्लड फ्लो तो जब हम ब्लड फ्लो देख रहे हैं तो ब्लड सबसे पहले यहां आया यहां से आ ये रहा सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो जो वासा रेक्टा में है तो क्या यहां पे और यहां पे फ्लो ऑफ ब्लड ऑपोजिट है तो ये आपका बन गया दूसरा काउंटरकरन मैकेनिज्म तो क्या आपको पहली दो लाइंस एनसीएटी की क्लियर है सबको कोई भी आपत्ति तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर कोई आपत्ति है तो आप बेहिचक चैट बॉक्स में लिख सकते हैं बेझिझक होना चाहिए हिंदी भी टॉप क्लास हो गई तुम्हारी तो मैम की आज का यस बताइए आई थिंक ये दो लाइंस सबको क्लियर हो गए अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं जो कि मेरे पास है नहीं अभी यहाँ पे मैंने तो डायग्राम बना दिया अब नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं बच्चों अब यहाँ पे अब देखो ध्यान से सुनना मैं पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म समझा समझा रही हूं। क्या रही क्या काउंटर करंट मैकेनिज्म सब बच्चों के कान नाक सब खुले रहने चाहिए ठीक है और आंखें भी पॉइंट नंबर वन केस वन ठीक है बेटा आयुष पिट के जाएगा लग रहा है पॉइंट नंबर वन दो कंडीशन हो सकती है पानी यानी जल का सेवन जब अधिक होता है सेवन जब अधिक होता है ठीक है दूसरा जब जल सेवन अधिक नहीं होता कम होता है ठीक है यस जल सेवन कम होता है दो केसेस है आपके बॉडी में चलिए अब पहला वाला केस समझते हैं हाउ डस पहला वाला केस में क्या हो रहा है ठीक है और, और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है चलिए समझते हैं इसको जैसे का बेटा हंसते हंसते कम कम है कम है यस मम्मी को शिकायत लगा अब देखो इधर जब आपने पानी बहुत ज्यादा पिया ठीक है बहुत सारा आपने पानी पिया बहुत सारा तो बॉडी में पानी की कमी है नहीं नहीं बिल्कुल कमी नहीं है मान लीजिए कि आप बहुत पैसा कमा रहे हैं ठीक है हमारे बीच में दीप्ति कुशवाहा है ठीक है दीप्ति कुशवाहा बहुत पैसा कमा रही है अब सब कहेंगे मैम दीप्ति क्यों कमा रही है हम क्यों नहीं कमा रहे क्योंकि बेटा उसने अच्छा बढ़िया क्लीनिक बनाया है जिसमें बाहर लिखा हुआ है जो भी इलाज कराएगा उसे ऑफ मिलेगा ठीक ठीक है यस है तो ये चीज है तो दीप्ति कुशवाहा जो है हमारी वो बहुत अमीर है वो पैसे भी खर्च कर रही है क्योंकि उसके पास पैसा है यार है ना तभी तो खर्च करेगी अब क्या हुआ दीप्ति ने जैसी बोर्ड लगाया सेल ओवर इलाज पे कोई टेन परसेंट ऑफ नहीं है तो भाई उसके बाद लोग आने कम हो गए कम हो गए तो बेटा उसके खर्चे क्या हो गए खर्चे तो उतने ही है तो यानी कि आप क्या कंजूसी करनी पड़ेगी यानी पैसे को बचाना पड़ेगा क्योंकि आप आ नहीं रहे हैं क्या आपके पेशेंट ठीक है तो यही चीज यहाँ पे बॉडी में पहले क्या बहुत सारा पानी है इतना पानी है कि जितना पानी बॉडी से निकालो बॉडी को कोई आपत्ति नहीं है तो केस वन समस्या ठीक है यस चलो आ जाओ यहां पे आया पानी ब्लड ब्लड हुआ फिल्ट्रेट फिल्ट्रेशन के बाद क्या बना बेटा फिल्ट्रेशन के बाद यहां पे बना आपका फिल्ट्रेट ये बना फिल्ट्रेट अब ब्लड की ऑस्मोलारिटी कितनी है जल्दी बताओ टेल मी इन द चैट बॉक्स बताओ ब्लड की ऑसमोलारिटी कितनी है ब्लड की ऑसमोलारिटी होती है थ्री हंड्रेड मिली ऑसमोट ठीक है तो जब फिल्ट्रेशन हुआ बेटा तो फिल्ट्रेशन में भी क्या होगा यहाँ पे भी उसकी ब्लड की ऑस्मोलारिटी कितनी होगी 300 मिली ऑस्मोल हो गया ब्लड की ऑस्मोलारिटी होगी थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मोल अब जब यही फिल्ट्रेट नीचे जाएगा तो ये लिम्ब किसके लिए परमेबल था पानी के लिए तो पानी आ गया यहाँ पे आ गया पानी जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा ऑस्मोलारिटी क्या होगी बढ़ेगी तीन से छह 600 से 800, 800 से हजार और फाइनली पहुंच जाएगी 1200. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट प्रेजेंट है 1200 मिली ऑस्मोलारिटी, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे ये फिल्ट्रेट ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ से NaCl यानी सॉल्ट बाहर निकलेगा क्योंकि दिस इज परमेबल टू तो सॉल्ट तो इसकी धीरे धीरे ऑस्मोलारिटी क्या होगी फिर से कम हजार 800, 600 300 और डी सिटी तक पॉस से पॉस से हो गई 200 अब बॉडी में तो पानी बहुत है है ना बहुत पानी है कुछ रीएब्जॉर्ब करना नहीं है तो अब यही फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट से बॉडी से बाहर सिंपल था या कॉम्प्लेक्स जल्दी बताओ चैट बॉक्स में सिंपल था ना क्वेश्चन नंबर 1 जो नीट 2000 आई थिंक 10 पीएमटी 2010 का ये क्वेश्चन है चलिए वो क्वेश्चन भी करा देते हो इसके कंपैरिजन में तुम्हें लोगो जूता पहन रहे हैं पहला क्वेश्चन ऑस्मुलरिटी ऑफ फिल्ट्रेट ऑस्मोलैरिटी ऑफ फिल्ट्रेट इन पीसीटी इक्वल्स टू ब्लड ऑस्मोलैरिटी ट्रू ऑफ जो मामले स्टेटमेंट लिखी है ट्रू है या फॉल्स है यानी ये दोनों आपस में आइसोटोनिक है इज इट ट्रू फॉल्स बताइए ऑन ट्रू है बिल्कुल ट्रू है वैल्यूज आप देख रहे हैं ना तीन सौ तीन सौ है बिल्कुल आइसोटोनिक है तो यानी पीसीटी में जो है, जो फिल्ट्रेट है ब्लड है उन दोनों की ऑस्मोलॉरिटी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया बल्कि सेम ही है आइसोटोनिक कहेंगे सेकेंड डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेल्ले इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू ब्लड ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये भी ट्रू होगी क्योंकि हाइपरटोनिक हो जाता है क्योंकि पानी बाहर निकल जाता है वहीं पे असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ इज लूपले ठीक है हाइपोटोनिक क्योंकि पानी बाहर निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा ठीक है तो ये सारी चीजें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब आते हैं हम केस नंबर टू तो पे यानी कि जब पानी की कमी हो गई है बटा जब पानी की कमी हो रही है मान लो कि दीप्ति आजकल कम पैसे कमा रही है तो दीप्ति क्या करेगी उसने एफ डी बनाई है एफ डी तोड़ेगी ठीक है उसने मान लो कि कुछ शेयर्स खरीदे शेयर से लेकर आएगी ठीक है मान लो कि उसने अपनी अपनी दराज दराज में में क्लिनिक की रूपए रखे थे वो भी निकालेगी तो बेटा अब क्या है अब सारी जमा पूंजी टूटनी शुरू हो जाएगी यानी कि बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी यहाँ पे भी यही चीज है ठीक है यस आ जाओ देखो एक इतना प्यारा बच्चा वो कह रहा है कि मैम आप एंड चार्ट पढ़ाया करो अपना मत पढ़ाया करो ठीक है बेटा जैसे आप कहो सबके लेते हैं बट करते ठीक ठीक है रखना चाहिए ना दूसरे का के आते हो, ना नहीं के. चलो देखो इधर अब यहाँ पे क्या द केस नंबर टू तो केस टू हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना है टू प्रोड्यूसेंट्रेटेड यूरिन सबसे पहले जो हार्मोन डीसीटी पे काम करेगा वो कौन से होंगे एडीएच प्लस एल्डोस्टेरोन प्लस एल्डोस्टेरोन ये दोनों काम कर रहे हैं और कलेक्टिंग डक पे जो काम करेगा वो हार्मोन होगा एडीएच अब देखते हैं यहां तक जहां तक का प्रोसेस सेम रहेगा ठीक है जहां तक का प्रोसेस सेम रहेगा अब जैसे ही ये 200 मिली ऑस्मोलैरिटी वाला पास करेगा तो अभी पानी बचाना है बॉडी में तो एडीएच और एल्डोस्टेरोन दोनों आएंगे ठीक है दोनों आएंगे अब दोनों के आने के बाद क्या होगा नाउ इस वाली कैपिलरी में पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में सोडियम और वाटर का हो जाएगा as in तो सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो गया किसने कराया? ADH ने। अब next, ADH की में, डेबल टू यूरिया ठीक है इट बिकम्स पोर्मेबल टू यूरिया तो अब जो यूरिया है वो इंटर में आएगा आगे यूरिया वापस जो यूरिया बाहर जाना चाहिए था वही यूरिया वापस बॉडी में आ चुका है जैसे जैसे यूरिया आता रहेगा सारा एनएसीएल यहाँ पे एब्सॉर्ब होगा वासा रेक्टा में वासा का जो ब्लड है यहां तक पहुंचे पहुंचते हाइपर ऑस्मो हो जाएगा हाइपर ऑस्मोटिक हो जाएगा जैसे हाइपर ऑस्मोटिक ब्लड उस्मौ ऊपर चढ़ेगा

कि जो हमने किया वो सही था या नहीं था चलिए देखते था। as well as the 300 से लेके 1200 तक ऑस्मोलैरिटी आप बना सकते हैं the gradient is इज caused बाय जो ग्रेडियंट बनाते हैं वो कौन से NaCl ए urea यूरिया यानी दीज आर टू मेजर ऑस्मोलाइट दीज आर टू मेजर ऑस्मोलाइट ठीक है NACLs transported by ascending limb of loop of Henle, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. मैंने आपको बताया था जो NaCl है वो कहाँ पे रीअब्जॉर्ब कराया था हमने vasa recta में। यही NaCl अब कहाँ चला जाएगा vasa recta में? और NaCl is returned to the interstitium by ascending portion of vasa recta.

अभी बताती हूँ बेटा अभी फोन करके बताती हूँ मैं अभी अभी कर लेते तुम्हारे सामने यस yes. हाँ वो बच्चे पूछ रहे नीट कब है यस yes. कैसी बातें करते हो यार कैसी बातें करते हो बच्चों आज स्पेशल है कल से स्पेशल क्लास शुरू है आज एनरोल करना है स्पेशल क्लास में मतलब कैसी बातें करते हो ऐसी तो बात किया करो जो यकीन करने लायक हो कुछ भी मतलब यस इन द मेडुलरी इंटरसीशम presence of such interstitial gradient help in an easy passage of water from the collecting tubule thereby concentrating the fluid human kidney ye important line hai human kidney can produce urine nearly four times concentrated than the initial filtrate form to so, initial filtrate form to so, jo initial filtrate formed hai uski osmolarity kitni hai 300 milli osmol तो so, इनिशियल के 300 आप 1200 बना सकते हैं तो कितना time concentrate किया आपने चार टाइम

यहां पे दो पार्टी है एक है रैस सिस्टम प्लस एडीएच सिस्टम ये दोनों ही सिस्टम प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बोथ प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर दोनों ही प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर देन वी हैव द नेक्स्ट सिस्टम द नेक्स्ट सिस्टम वी हैव एज एंटीट्रियोडेटिक फैक्टर ए एन एफ विच एक्चुअली फॉर्म्स डायल्यूट यूरिन दिस फॉर्म डायल्यूट यूरिन ये डायलूट यूरिन बनाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट द फंक्शनिंग ऑफ द किडनीटेड बाय हॉर्मोनल फीडबैक मैकेजम इन्वॉल्विंग दाइपोथल जेजी एंड टू अटेन एक्सटेंड हार्ट तो तीन चीजें जो मेन पार्टिसिपेट करिए हार्ट एक आपका हाइपोथाल क्योंकि यहां से एडीएच का फॉर्मेशन होता है जेजी सेल्स क्योंकि यहाँ से रैस सिस्टम शुरू होता है और हार्ट क्योंकि यहाँ से ए वाला सिस्टम शुरू होता है ठीक है ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी अब सवाल उठता है ये ऑस्मो रिसेप्टर्स कहाँ हैं? दीज ऑस्मो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स दीज ऑस्मो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स विच आर सेंसिटिव टू ऑस्मोलारिटी ऑफ फ्लूड्स

बॉडी फ्लुड वॉल्यूम में चेंज आ रहा है या आइनिक कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है तीनों में चेंज आ रहा है बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर इसका मतलब जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है ठीक है या आपका आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन ब्लड ऑस्मोलॉरिटी होता है इन दोनों ही सिचुएशन में आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं कौन एक्टिवेट हो जाते हैं बेटा ऑस्मो रिसेप्टर्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं ठीक है पहली लाइन तो ये हो गई नेक्स्ट आते हैं कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलमस टू रिलीज एडीएच और वेसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस बेटा इसको समझने के लिए हम एक ब्लैंक स्लाइड ले ले फिर इसको पढ़ ले चलिए बताइए काफी सारे हैं। हम क्या कहते हैं हम एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं फिर इसको पढ़ते हैं ज्यादा बेटर होगा ठीक है चलो आ जाओ फर्स्ट मैकेनिज्म इज एडीएच मैकेनिज्म अब एडिय को हमें समझना तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि ब्लड वॉल्यूम बच्चे प्यारे लिख रहे हैं मैम एज यू विश ब्लड क्या लिखा है यार मैम ने क्या लिखा है बच्चों क्या लिखा है वॉट इज हैपनिंग वॉट इज हैपनिंग यस ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस और ब्लड ऑस्मोलारिटी इंक्रीजेस ब्लड ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने का मतलब है सॉल्ट ज्यादा पानी कम जब ये दोनों चेंजेस होंगे तो ये किसको एक्टिवेट करेगा बेटा दिस विल एक्टिवेट योर ऑस्मो रिसेप्टर्स दिस विल एक्टिवेट योर ऑस्मो रिसेप्टर्स जो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे द सिग्नल विल गो टू हाइपोथैलेमस द सिग्नल गोस टू हाइपोथैलेमस सिग्नल कहां गया ऑफ ए डी का दूसरा नाम क्या है वेसोप्रेसिन फ्लो चार्ट में बना रही हूँ बट एग्जैक्ट एनसीआरटी का ही है सिंथेसिस कर ली एडीएच और वेसोप्रेसिन का बट सिक्रीशन कहां से होता है द सिक्रीशन क्या हुआ बफर हुआ अब ठीक हो जाएगा अभी ठीक हो जाएगा माय किड्स मेरे स्क्रीन पे भी कुछ ठीक दिखा रहा है अभी ठीक हो जाएगा किड्स डोंट वरी रिफ्रेश रिफ्रेश यस अब यहां से सिक्रीशन सिक्रीशन अकस्रू न्यूरोहाइपोफाइसिस सिक्रीशन हो गया बच्चों ठीक है yes. यस इसी न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरपिट्यूटरी बोलते हैं या फिर हम इसे बोलते हैं पार्स नर्वोसा क्या बोलते हैं पार्स नर्वोसा ये अब जैसे न्यूरोहाइपोफाइसिस एडीएच आया एडीएच ब्लड में आ चुका है

ये काम करेगा आपके डीसीटी पे एंड कलेक्टिंग डक पे जब डीसीटी और कलेक्टिंग डक पे काम करेगा इट विल लीड टू मोर विल्शन रीअबॉर्प्शन ऑफ वॉटर एंड सॉल्ट वॉटर एंड सॉल्ट ठीक है सो so ये पूरा फंक्शन था आपका किसका योर एडीएच बेटा इसको लिख लो अपने एनसीआरटी में यस yes, इसको लिख लो बेटा बेटा खेमू मधु हेलो बेटा खेमू हम भी हैं यहाँ पे यस खेमू डू नॉट फॉरगेट अस और हर हर uh, रंग से उसने थम्सअप बनाया खेमू ने खेमू इतना टाइम क्या हो गया खेमू आजकल व्हाट्सअप खेमू अब नेक्स्ट करेंगे बेटा हम रास सिस्टम लेट अस टेक द अनदर सिस्टम दैट इज रास सिस्टम आई होप यू हैव रिटन दिस रास सिस्टम दिस स्टैंड फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिर सिस्टम ये हो गया आपका रास सिस्टम हो गया चलिए अब इसको देखते हैं रास सिस्टम को देखते हैं लेट एस स्टडी अबाउट द रास सिस्टम यस लेट एस सी यहां पे क्या आता है बेटा तुम लोग बहुत बदमाश हो गए हो चलो यहाँ पे आएगा डिक्रीज इन जीएफआर अगर जीएफआर कम हो गया हो या ब्लड वॉल्यूम कम हो गया हो या ब्लड प्रेशर कम हो गया हो जब ये सारी सिचुएशन है जब ये सारी चीजें की चीज कम हो जाती है ठीक है यस yes. जैसे ये सारी चीजें कम होती है बेटा आपके जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं कौन से सेल्स एक्टिवेट होते हैं जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जेजी सेल्स एक्टिवेट हो गए जैसे जेजी सेल्स एक्टिवेट होते हैं बेटा अब यहां से क्या सिक्रिएट होता है रेनिन रेनिन सिक्रीट हो गया अब रेनिन क्या करेगा ब्लड में प्रेजेंट ठीक है ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजन को एंजियो को जो इस वक्त ब्लड में प्रेजेंट है उसे कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन वन में और ये एंजियोटेंसिन वन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन टू में एंजियोटेंसिन टू में अब इसे कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए बताओ जल्दी से चार्ट बॉक्स में यस सचिन डॉक्टर खुशबू इसे चाहिए एंजाइम कन्वर्ट करने के लिए एस एस एंजाइम स्टैंड एनजियो कन्वर्टिंग एंजाइम और ये एंजाइम कहां से आता है? दिस एंजाइम कम्स फ्रॉम लंग्स दिस एंजाइम कम फ्रॉम लंग्स ठीक है

इट लीड्स टू री एब्जॉर्पन ऑफ सोडियम एंड वॉटर तो सोडियम एंड वॉटर का क्या होगा रीएब्सॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो ये आपका पूरा रा सिस्टम है जो आपको लिखना है बच्चों लिखिए स्वीटी का लाइक हो रहा है स्विटी फटाफट से रिफ्रेश 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 ना 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 नी नी ना ना अब थर्ड पे आएंगे थर्ड हमारा ए सिस्टम है एट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर नाटरी यूरेटिक फैक्टर एंड दिस फैक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट Produced by heart. तो heart produce करता है है. 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 इसको. ठीक बिल्कुल सही इसका नाम. अब देखते हैं कब बनता है? जब आपका ज़्यादा 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 हो, हो, हो. या blood volume हो, या GFR हो, तीनों ही हार्ट रिलीज करेगा ए एन एफ और एन एफ क्या करेगा सबसे पहले इट एक्ट एज बेसोड सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर कम करेगा इट विल रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर

तो इट आल्सो अफेक्ट्स वैसो कंस्ट्रिक्टर दिस कॉसेस एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द जीएफआर क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है प्रोपोर्शनल ठीक है द जेजी प्लेज़ अ इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी रोल अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो प्रेशर और जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स ये हमने सेम लिखा था फ्लो चार्ट में

मतलब कि आपने इतना अच्छा माहौल बना रखा है खेमरा जो गया रजत है सारे बच्चे हमारे नुसरत हो गई खुशबू हो गई कुटकुट -कुट हो गई चुटकी हो गई हमारी सब इतने प्यारे बच्चे यार वो तो मैम बीच में इसलिए थोड़े से जोक्स क्रैक कर देते कि भाई तुम्हें बोर फील ना हो यस और कोई बात नहीं है यस सारे बच्चे अच्छे हैं ऑल माय किड्स आर सुपर गुड इंक्लूडिंग ज्योति यू नो ताला है ना चलो ना चलो इसी बात पे जब सब बच्चे हैं तो मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज बताती हूँ किन किन बच्चों को यहाँ पे दर्द होता है चलो और मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगी यस बैक टक प्रोसेस चलिए जल्दी से बताइए मैं अभी एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई थी चलो तुम्हें तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं चैप्टर खत्म ही होने वाला है फटाफट से कर देंगे कोई नहीं आई जस्ट टेक मिनट्स किस तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे आप टेस्ट करोगे ठीक है अपने आप को कि आपका बैक कितना स्ट्रॉग है हाउ मच दिस पार्ट इज स्ट्रॉन्ग ठीक है बहुत अच्छी एक्सरसाइज बता रही कैन डू इट एट होम इसके लिए आपको थोड़ी सी आपकी मम्मी की हेल्प की जरूरत होगी तो अगर आपकी मम्मा भी ये सेशन देख रही है तो सबसे पहले तो नमस्ते ज्वाइन like कीजिए बच्चों अभी आप रिलैक्स है नहीं कर रहा ठीक है सब रिलैक्स है ऐसे ज्वाइन कीजिए अब इसमें ना दोनों को जोर लगाइए ऐसे जोर ठीक है और मम्मी से कही आपको अलग करना है मम्मी इन दोनों फिंगर्स को और मैं जोर लगाऊंगा कि ये अलग ना हो पाए ठीक है इस तरीके से करना है तो अभी सबकी मम्मी है मम्मी जी हैं तो बेटा आप देखिए मैं यहाँ पे ऐसे जोर लगा रही हूँ अलग कर रही होगी बस इतना ही जोर था हो गई अलग क्योंकि हमने पूछेंगे अब चलते हैं नेक्स्ट चीज एवरीबडी ऐसे रखिए अपने आप को फुल स्ट्रेट एंड जस्ट चिंता ऐसे डू इट लाइक दिस या ड टुअर्ड दिस साइड दिस इज कॉल चिंटक प्रोसेस ठीक है अब आपने चिंटक किया यू कैन फील द टेंशन इन दिस एरिया यूर यू नो इट्स ऐसे करो स्ट्रेट लाइक दिस चिंटक ठीक है और अब ये वाला है ना अब मम्मी से कहो जरा कि मम्मी अब अलग करो इसको अलग कर yes, रहे नाव यू गेट मोर पावर टू होल्ड दीज फिंगर्स टुगेदर यस अविनाश हसराय नालायक

नहीं हो रहा ना तो बेटा आप जरूर करना अपनी मम्मी को ले आओ और मम्मी आपको जरूर हेल्प करेगी यू कैन एक्चुअली फील द डिफरेंस कि जब आप चिंटक नहीं कर रहे हो तो सेपरेटिंग टू फिंगर्स वुड बी अ वेरी इजी प्रोसेस बट वेन यू यू नो चिंटक तो जब आप देखना कि इतना पावर आपकी बॉडी में आ जाएगा कि यू वॉन्ट बी एबल टू सेपरेट दिज टू फिंगर्स इजिली आप जरूर ट्राई करना आपको मजा आएगा यू कैन एक्चुअली ट्राई दिस एट योर होम ठीक है ओए होए खुशी देख रहा चैट बॉक्स में नाइस नाइस जी स्क्वायर आर्मी नाइस फिजियोथेरेपी इज अ वेरी गुड करियर वेरी गुड यू नो व्हाई इट इज अ गुड करियर आई विल गिव यू वेरी गुड रीजन हियर सिंस एवरीबॉडी इज वर्किंग फ्रॉम होम एवरीबॉडी इज इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप्स इंक्लूडिंग यू एंड मी सो एवरीबॉडी इज बेसिकली सिटिंग इन द सेम पोस्चर एंड दे टेंड टू डेवलप पेन आफ्टर फोर और फाइव मंथ्स

Trust me, there would be like lot of people coming to you every day. They, they would be demanding your time. They would be asking. Yes. तो so, आपको चिंटक कैसे लगा आज के सेशन में जरूर बताना कमेंट सेक्शन में ठीक है चलिए अब और भी एक्सरसाइज का है तुम्हें इंतजार तो so, बेटा देखते रहना जी स्क्वायर के सेशंस ठीक है चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे ये हम रीड कर रहे थे आ जाओ इधर विच कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन वन

इतने अच्छे मुझे बच्चों ने you know, stuttering stuttering totlana, बच्चों ने दिए कि यू नो आपने फर्स्ट टाइम दे सी वीडियो वीडियो ऑन ऑन स्टैमरिंग स्टैमरिंग मेक स्टटरिंग स्टटरिंग आल्सो इज़ इज़ हकलाना आधे को तो ये वर्ड्स के डिफरेंस तक नहीं पता जिन पे आजकल हम वीडियोस आपके लिए ठीक है? कैन बिल्ड योर शोल्डर बोन मसल आप यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई चले मैं आपको बताऊँ फटाफट से teacher, you know, तो अगर आपको पता करना है कि आपके जो शोल्डर ब्लेड्स है वो वीक है या नहीं तो उसके लिए क्या होगा मम्मी को बुला लीजिए वापस से मम्मी जी वापस आ जाइए आप यस yes. तो बेटा अपनी मॉम से कहना कि जस्ट प्रेस ये वाला जो पार्ट है ना आपका पे पे धन, पेन उठ गया आप खुद भी कर सकते हो यार इतने तो तुम फ्लेक्सिबल होंगे ना यस yes. तो बेटा अगर धना धन पेन हो रहा है एक कंपन सी महसूस हो गई अगर प्रेस करते मान लो कि तुम्हारे शोल्डर ब्लेड्स वीक हो रहे हैं येस yes. आपके शोल्डर ब्लेड्स वीक हो रहे हैं तभी बेटा इतना जबरदस्त आपको पेन होगा और जिन बच्चों को नहीं हो रहा छूने पे कुछ भी उनके शोल्डर ब्लेड्स तो बिल्कुल सही है दे हैव द बेस्ट शोल्डर देश उनके अभी तक शोल्डर ब्लेड्स तक दर्द पहुंचा नहीं है ये गरमा गोयल एफसी बैड पोस्टर बिल्कुल सही है ठीक है हो रहा है आपको दर्द बताइए चैट बॉक्स में नो no दर्द कुछ को होगा कुछ को नहीं होगा यार जरूरी थोड़ी सबके शोल्डर ब्लेड्स वीक होंगे तुम कुछ भी बात करते हो यार कुछ को हो सकता है कुछ को नहीं हो सकता है यस अगर यहां पे आपको पेन नहीं हुआ प्रेस करने पे मतलब आपके शोल्डर ब्लेड्स अभी तक बिल्कुल फाइन है। very good. Very good, nice, चले अब देखते हैं कि ये वाला जो हमारा एरिया होता है इसमें कितना दर्द है इसको हम पता करते हैं ठीक है सो आउट योर टू फिंगर्स लाइक दिस ठीक है, so, like है? यहाँ पे एग्जैक्टली exactly, यहाँ पे कैन यू सी दिस पोर्शन एवरीबडी यहाँ पे यहां पे जोर से दो बार दबाओ आए मेरे को ही दर्द हो गया बेटा बिकाज मैं तो पेन में हुई <laughs> yes, यहाँ पे अच्छे से इस तरीके से जस्ट प्रेस इट कैन यू सील दिन यू फील ने कहा माम बहुत तेज दर्द हुआ इस वाले में yes बताओ जल्दी से बताओ इसके एक्सरसाइज बताती हूँ फिर काफी बच्चों को होगा काफी बच्चों को नहीं होगा यस yes, बताइए мам पढ़ा लो अदर टाइम वेस्ट करते हो आप बेटा दिस इज फर्स्ट सेशन आई एम डूइंग दिस ज़ोबिया आप बेटा कोई नहीं आपकी मर्जी है हम कैन यू फील द पेन हियर व्हेन यू प्रेस टू फिंगर्स तो काफी बच्चों को हो रहा है काफी को नहीं हो रहा है इफ यू आर हैविंग अ पेन हियर मींस नेक का पेन आपका शुरू हो चुका है आपका नेक का पेन शुरू हो चुका है योर मसल्स आर स्टिफ हियर

यस हाँ सरसों का तेल लगा लो यार यस <laughs> yes. बिल्कुल सरसों का तेल लगा लो जो भी है ठीक है yes. यस चलो अब ये तो हो गई हमारी एक्सरसाइज आई थिंक बैक पेन काफी आपको मेरा uh, चिंतक करना आफ्टर टू डेज इन माय सेशन टेल मी कि चिंतक से तुम्हें हेल्प हुआ या नहीं हुआ ठीक है चलो अब आई थिंक बच्चे सारे रिफ्रेश हो गए वापस से

क्या भर दिया आपने यूरन क्या भर दिया बच्चों यूरिन भरा कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया आप देख सकते हैं

जैसे यूरिन भरा सिग्नल जो है स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हुए स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने पे ने सिग्नल सीएनएस सीएनएस पे भेजा आपके ब्लैडर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराया प्लस यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स कराया जिसके कारण क्या हुआ यूरिन बाहर आ गया ठीक है यस नाउ नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स तो दो प्रोसेस मिक्चुरेशन बोल रहे हैं बट जो न्यूरल सिस्टम इन्वॉल्व है न्यूरल सिस्टम इन्वॉल्व है उसको हम क्या बोल रहे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स अगर हम स्ट्रेच रिसेप्टर हटा दे क्वेश्चन आया था साक्षी आयनो अगर हम यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हटा दे, तो मिक्चुरेशन नहीं होगा ठीक है, नो मिक्चुरेशन नो मिकुरेशन नो मिक्चुरेशन कोई मिक्चुरेशन नहीं होगा ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था अब नेक्स्ट पे चलते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ काफी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि हर बुक में आपको डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है नाउ दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट अच्छा हमने कुछ स्किप कर दिया क्या हाँ ये रहा ये रहा सॉरी बच्चों कुछ स्किप कर दिया था हमने एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एन एवरेज एक दिन में एक से डेढ़ लीटर ऑफ यूरिन आता है The urine formed is a slightly yellow colored fluid. Now, why it is yellow color? It is yellow color because ये yellow color क्यों है? क्योंकि इसमें urobilin होता है. ठीक है? Yes. क्या होता है इसमें? Urobilin होता है and urobilinogen होता है. इन दोनों के कारण urochrome होता है. इनके कारण क्या होता है बेटा? The color of the urine becomes yellow.

कीटोन बॉडीज जब होती है यूरिन में यूरियन कीटोनुरिया और दोनों किसका इंडिकेशन है डायबिटीज मेलेटस का दोनों किसका इंडिकेशन है डायबिटीज मेलेटस का अब आते हैं नेक्स्ट रोल ऑफ अदर ऑर्गेनिक एक्सप्रेशन बेटा देखो अगर आपके मैं आपको बस एक छोटा एग्जाम्पल एक डेली जनरल बात बताऊंगी अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है और उसको अभी तक पता नहीं है कि वो डायबिटिक है तो हो सकता है कि वॉशरूम के आसपास चीटियां कहीं पे भी चीटियां हैं तो प्लीज गेट एवरीबडी चेक फॉर डायबिटीज शुगर टेस्ट आप जरूर कराएं बिकॉज दिस कैन बी सिग्नल कि हाँ दिस इज डेंजरस ठीक है yes। तो यहाँ पे आते हैं रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन अदर ऑर्गन देखते हैं अदर देन द किडनीज अदर देन द किडनीज लंग्स लिवर स्किन आल्सो हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ठीक है यस आवर लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड एम एल पर मिनट एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज ऑफ वॉटर एवरी डे लिवर लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है ये सिक्रीट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस

Sebaceous gland eliminate certain substances like sterol, hydrocarbon and waxes from the body. तो so, ये सारे क्या आपके waste products हैं, which takes participate other than the kidneys also. Ma'am, what will happen if the stretch is? अरे अभी तो बताया सरिता बेटा, no, no micturation. Just अभी ma'am ने ये चीज बताई, there would be no micturation. ठीक है? Yes. अब आते next. तो मुल्तानी मिट्टी आप सुबह उठते पहले मुल्तानी मिट्टी लगा के सोइए इट विल हेल्प कंट्रोल योर ऑयल ऑन योर फेस आप देखना विद इन टेन डेज आपकी स्किन का ऑयल कंटेंट बहुत कम हो जाएगा क्योंकि मुल्तानी मिट्टी एक्चुअली एब्जॉर्ब ऑयल फ्रॉम योर स्किन तो ये घरेलू नुस्खे थे जिनको ऑयली स्किन से प्रॉब्लम है ठीक है यस यस मुल्तानी मिट्टी यस बच्चों दिस यू गेट ओल इन जी क्लास घरेलू नुस्खे माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीस जो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी है कैन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड ब्लड तो जब यूरिया में ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं क्या कहते हैं तो उस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं यूरेमिया इज वेरी डेंजरस ठीक है क्योंकि इट लीड्स टू किडनी फेलियर प्लस यूरेमिया जब होता है तो आपका जो ब्लड पीएच है जो आपका ब्लड पी है वो एसिडिक रहेगा क्या रहेगा एसिडिक रहेगा ठीक है विच इज हाइली पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव बाय अ प्रोसेस ऑफ तो ऐसे पेशेंट में हम जो है यूरिया को ब्लड से रिमूव करते थ्रू हीमोडायलिसिस विच इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी इसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी

द यूनिट कंटेन्स कॉल्ड सेलोफेन जो आपका आर्टिफिशियल किडनी है उसके पास सेलोफेन ट्यूब्स हैं सराउंडेड बाय अ फ्लूड हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट तो जो डायलाइजिंग फ्लूड है वो बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ योर ब्लड एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट सो द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब

डायबिटीज इनसीपिडस इज कॉज बाय डेफिशियंसी ऑफ एडीएच डेफिशियंसी ऑफ एडीएच तो जब एडीएच की डेफिशियंसी होगी तो पर्सन विल सफर फ्रॉम डाइल्यूट यूरिन प्रॉब्लम डाइल्यूट यूरिन प्रॉब्लम ठीक है और यस बेटा इसके बाद हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक

कॉम्प्लेक्स और क्या पूछना है पूछो यस yes. और जो पूछना है पूछो 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 लास्ट ईयर पेपर अभी नहीं बेटा फर्स्ट वील कंप्लीट द फुल एनसीआर हाइलाइट्स जिस दिन बेटा हजार से कम बच्चे हो गए ना एनसीआर हाइलाइट्स में मैं बंद कर दूंगी सीरीज या तुम कम मत हो ना बस यस yes. जिस दिन तुमने हजार से कम कर दिया ना बच्चे मैं सीरीज बंद करके रख दूंगी

ठीक है जिसे वो हमसे पढ़ सके इन अ मोस्ट प्लान बे चलिए बाय मेरे बच्चों टेक केयर हम्म